गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी अनिशिका में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो मॉर्निंग का काम हो गया है, मेरा पूरा चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा एकदम घूमने वाला डे है। बहुत इशिका को हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट करा दिया है और मैं दिखाती हूँ क्या किया है इशिका ने। उसको अगर एक चम्मच भी ज़्यादा उसके पेट में चले जाए उसको सहन होगा नहीं, वो चार चम्मच निकाल देगी, अपना बदला पूरा कर लेगी। तो चलिए, इतनी बदमाश है मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा ज़्यादा खिला दिया था तो ये पूरा मेरे किचन का हाल देखिए। अब मैं इन सबको सही करना है मुझे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मुझे किचन साफ़ करना था क्योंकि अभी इशिका ने जो कांड किया है उसके बाद बिना साफ़ किए आप किचन में कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस टाइम मेरा होता है हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, बट इशिका सब कुछ बिगाड़ के रख देती है। तो कर लिया है थोड़ा सा साफ़, अब मैं थोड़ा सा लुकवार्म गर्म पानी पी लूँगी और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो जैसे कि पता ही है लेट हो गया था तो झटपट, तो दो मिनट में तो आपको मैगी ही मिलेगा, दूसरा कुछ तो मिलेगा नहीं। तो मैगी बना लिया था, कितना यम्मी दिख रहा है ना, मेरे मुंह में तो फिर से पानी आ जा रहा है वॉइस देते टाइम। देखिए ये मैं हस्बैंड को दे दूँगी ब्रेकफास्ट के लिए। अब मैं आपको दिखाऊँगी इशिका क्या करती है अपने पापा को, जब तक उसके पापा दिखते रहेंगे तब तक उस पापा को बुलाते रहेगी और टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। जो ये ब्राह्मी शाक है आज आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अपने बच्चे को कैसे देती हूँ। तो देखिए अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, अब इसका छोटा छोटा पीसेस कर लूँगी। ज़्यादा बड़ा पीसेस अगर रहेंगे तो अगर इसे गा के मुँह में पड़ेगी तो थोड़ा सा बिटर इसका टेस्ट है तो उसको पता लग जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा चला के करना पड़ता है। तो देखिए एकदम महीन पीसेस कर लिया है। और ये जो अनियन है, आजकल के जो नया अनियन है बहुत ही यम्मी और टेस्टी होता है, तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, ये ऑप्शनल है, आप लोग अगर डालना चाहो तो डालना वरना स्किप कर देना। तो थोड़ा सा अनियन डाल दिया है, यहाँ पे आप धनिया के लीव्स भी डाल सकते हो अगर आप कुछ चाहिए तो। तो देखिए यहाँ पे मैं एक दे रही हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ एज़ पर टेस्ट, थोड़ा सा कम ही डालिएगा। तो सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल दे दिया है, आप बटर घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं पैन को गर्म करके चारों तरफ से ऑयल को बिखेर लूँगी और उसके बाद ये जो अंडा है दे दूँगी। और इस अंडा को ऑमलेट के जैसा नहीं बनाना है, इसको तोड़ देना है, एकदम भुर्जी के जैसा करना है और एकदम जो गैस का फ्लेम है बहुत ही लो करना है और फ्राई करना है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर यहाँ पर मैं डाल दूँगी, बच्चों का खाना है बोल के आप थोड़ा सा भी ये मत सोचिएगा कि टेस्ट नहीं करना है, उनके खाना को भी बहुत टेस्ट बनाना होता है तभी उनको खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए मैं एकदम ढक ढक के फ्राई कर ली हूँ। तो एग भुर्जी विथ ब्राह्मीन शाक ब्रेन बूस्टर रेसिपी मेरा बन के रेडी। दीदी भाई आसो तो, अंकिता दीदी भाई ईशिका কাচ্ছে। না না দিদি ভাই চলে গেছে, দিদি ভাই খাবার খাবে তো? হ্যাঁ তুমি ভালো মেয়ে তো, তুমি ভালো মেয়ে না? মেরা লাঞ্চ ভি কমপ্লিট হো গিয়া হে, ইয়ে হে মিক্স ভেজ और ये है माच्छेर माथा दिए मुड़ी घंटो फिश हट के साथ मूंग का दाल बनते हैं हमारा। और ये देखिए रात का बचा हुआ पत्ता गोभी है, ये बस मैं ही खाऊंगी, हस्बैंड को नहीं दूंगी। और ये है फ़िश फ्राई, ये फ़िश मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने बस हस्बैंड के लिए फ़्राई किया है। और ये है इशिका का रात के हिस्से का खिचड़ी और ये है हमारा राइस। तो देखिए ये है इशिका का प्लेट है। तो ये देखिए इशिका इची पापा। तो देखिए खुद ब खुद आजकल मोबाइल देखने के बाद आप लोगों को गाना सुनाने लग जाती है। तो देखिए मैं बस ऐसे बनाई नहीं हूँ, खिला के भी दिखाऊंगी, ये मैं ऐसे ही खिला के दिखाती हूँ आप लोगों को। मम्मा एक एक है, केमन लगछे तुम्हार? खाओ ভালো লেগেছে, টেস্টি আছে, আরো খাবে তুমি? আচ্ছা তাহলে আমি আরো দিচ্ছি, ঠিক আছে? আরো দেব, আরো দেব, ঠিক আছে আরো দেব। খেতে ভালো মা? হ্যাঁ আমার বাচ্চা খাও। খেয়ে না
तो देखिए ये खा लेती है, आपके बच्चे भी खा लेंगे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये जो साग है ना, इससे ब्रेन बहुत शार्प रहता है। यस, तो मैं इसको खिला लेती हूँ, ठीक है। बाय बाय बोले दो, बाय बाय। मैं खे नीची। जय माता दी, मेरा शाम का पूजा पाठ हो गया था और इसी का यहाँ पे जस्ट अभी नींद से जगी है। तुम्हें दूध खाबा एखन? तुम्हें दूध खाबा? हमें दूध नहीं आसि? तुम एक देरी थको, हाथ खेते नहीं माँ, नोंगरा स्वभाव, नो हाथ बेर करो प्लीज। हाँ, गुड गर्ल। तो जब इशिका खा रही थी तब मैंने वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया, तो आप लोग भी प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, थोड़ा तो हेल्प मिल ही जाएगा आप लोग के अपने बच्चों के लिए ही सही। तो देखिए शाम का नमकीन बनाने के लिए मैं आ गई हूँ, अदरक, रॉक सॉल्ट, मूंगफली और ये है पोहा। तो कढ़ाई को गर्म कर लिया है, यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है। सरसों का ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पर मूँगफली डाल दूँगी, मूँगफलियों को थोड़ा सा रेडिश होने तक फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे अदरक के पीसेस डाल दूँगी, और अदरक के पीसेस के बाद मैं यहाँ पे रॉक सॉल्ट डाल दूँगी और थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डाल दूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी जो पोहा है, पोहे को डालने के बाद मैं सब चीज़ों को धीमी आँच में पका लूँगी और क्रिस्पी होने तक फ्राई करते रहूँगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए पोहा बनके तैयार हो गया है, ऐसे कंटेनर में आप 1 हफ्ता 10 दिन रख के खा सकते हो, थोड़ा ठंडा करके ढक्कन लगा लीजिएगा। तो बाय, टाटा।